वेलकम टू एक्सप्लोर नाउ आज हम आपका स्वागत बिहार के एक ऐसे जिले से करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जहानाबाद की जहानाबाद बिहार के 38 जिलों में से एक है पर यह अकेला जिला पूरे बिहार पर भारी है वैसे यह स्वतंत्र जिला बना था 1 अगस्त उन्नीस ईस्वी को जब इसे गया जिला से काटकर नया जिला बनाया गया था इसका क्षेत्रफल मात्र 931 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी यहाँ रहती है 12 लाख की जिले का जिला मुख्यालय भी जहानाबाद ही है और यह मगध प्रमंडल का हिस्सा है जहानाबाद नक्सली और जातीय संघर्ष को झेलने वाला ज़िला है और इसी खूनी संघर्ष का यहाँ इतना लंबा इतिहास रहा है जिसने इसे बदनाम कर दिया है लेकिन आज हम वह बताने नहीं जा रहे हैं हम वो बताने जा रहे हैं जो कम लोग जानते हैं यानी सिक्के का दूसरा पहलू आपको दिखाने जा रहे हैं आप में से कितने लोग जानते हैं कि जहानाबाद का पुराना नाम क्या है जहानाबाद का पुराना नाम भेलावर था बाद में जहां आरा के नाम पर इसका नाम जहानाबाद किया गया फिलहाल एक अनुमंडल और सात प्रखंड या ब्लॉक वाला यह जिला कैसा है ये हम आपको चल कर दिखाते हैं जहानाबाद अगर आप आना चाहते हैं तो एन एच के रास्ते आप आ सकते हैं यह राजमार्ग इस जिले से होकर गुजरता है रेलवे स्टेशन जहानाबाद का अच्छा है बहुत बड़ा जंक्शन तो नहीं है पर पटना और गया दोनों ही जिले इसके काफ़ी पास में हैं इसीलिए रेलवे स्टेशन में आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जहाँ तक बस की सुविधा है सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बस स्टैंड इस ज़िले में हैं और बसों की सुविधा भी उपलब्ध है आप अगर दूसरे राज्यों के लिए भी बसें चाहते हैं या ट्रेंस चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट पटना या गया से मिल जाएगा नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप से देखें तो जहानाबाद एक खूबसूरत जगह है यह दरगाह और जमुनिया नदी के संगम तट पर बसा हुआ जिला है हालांकि आधुनिकीकरण या यूं कहें कि अंधाधुंध शहरीकरण ने दरगाह नदी को अब नाले में तब्दील कर दिया है लेकिन सोन और फलगु नदियां भी इस ज़िले से होकर बहती हैं फलगू नदी का अपना महत्व है क्योंकि हिंदू सनातन इसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं इन नदियों की वजह से इस जिले की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ के स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग इस मिट्टी को केवल कहते हैं इस मिट्टी में चावल गेहूँ चना या गन्ना हर कुछ भरपूर मात्रा में उपजता है लेकिन यहाँ की धरती अधिकांश खेती योग्य भूमि है और यहाँ पे आपको जंगल देखने के लिए नहीं मिलेंगे जिस तरह के जंगल हमने पड़ोसी राज्य झारखंड में देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जगह खूबसूरत नहीं है यहाँ बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जो हम अभी आगे देखेंगे जहानाबाद में बराबर की गुफाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं बराबर इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर गया से मात्र 50 किलोमीटर और पटना से 75 किलोमीटर की दूरी पर इसी जहानाबाद के मखदुमपुर पहाड़ी इलाके में पड़ता है बराबर की इन गुफाओं को वनवार की गुफा भी कहा जाता है और दरअसल भारतीय सभ्यता के ये सबसे पुराने स्थानों में से एक हैं और इनका संबंध महाभारत काल से भी है महाभारत युद्ध के दौरान महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इन घाटियों में विचरण करता था इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से भी है कहते हैं भगवान बुद्ध ने बारह वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी यह स्थान अपनी प्राचीन सात चट्टानों को काट कर बनाई गई बौद्ध गुफाओं और आजीवक संप्रदाय के उद्गम स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ ने इन संप्रदाय के लोगों को काफ़ी सहूलियतें दी थीं अपनी नैनाभिराम भव्यता और बीहड़ प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह जगह बहुत ही प्रसिद्ध है बहुत कम स्थान ऐसे हैं जो इस बराबर की गुफा की बराबरी कर सकते हैं इसके आसपास का शांत और प्रदूषण रहित वातावरण मानसिक शांति देता है जहां आप आकर एक बार फिर से पूर्ण ताजगी और स्फूर्ति का एहसास करते हैं आमतौर से नवंबर से लेकर फरवरी तक यहां पर्यटक ज़्यादा आते हैं लेकिन जुलाई अगस्त में जब सावन का महीना आता है तो यहाँ पर श्रावणी मेले का भव्य आयोजन होता है जिसमें बहुत सारे स्थानीय और दूर दूर से भी लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं इस समय यहाँ पर आना सबसे अच्छा अनुभव रहेगा आप यहाँ आकर महसूस करेंगे कि अगर इस क्षेत्र का सही तरीके से विकास किया गया रहता तो इसकी महत्ता बोध गया और सारनाथ से कम कहीं भी नहीं होती कौआडोल पर्वत का सिर स्तूप जैसा दिखता है यहाँ चबूतरे पर भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की यह छवि बुद्ध की कई प्रतिमाओं से बड़ी है और अच्छे स्थिति में आज भी है यह लगभग आठ फीट ऊंची है जिसकी चौड़ाई कंधे के चारों ओर चार फीट तक और घुटने के पास छह फीट तक है इस मूर्ति के बारे में चीनी यात्री हैन सांग ने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है जहानाबाद जिला मुख्यालय से मात्र चार किलोमीटर दूर तहता रेलवे स्टेशन के दक्षिण पूर्व में आपको पुरातत्विक महत्व की मंदिरों का पूरा समूह देखने के लिए मिलेगा इनमें से ज़्यादातर शैव हैं और इनकी संख्या एक या दो नहीं दर्जनों में है अधिकांश पक्की ईटों से बनी हुई हैं जबकि कुछ उपांग पत्थर के भी बने हुए हैं प्राचीन टैंक के खंडहर भी यहाँ पड़े हुए हैं बहुत कुछ है यहाँ देखने लायक आप यहाँ अपना अच्छा खासा समय बिता सकते हैं जहानाबाद एक और कमाल की चीज़ के लिए जाना जाता है यहाँ आपको भारत देश की पहली महिला सूफी संत का दरगाह देखने को मिलेगा जिसे हज़रत बीवी कमाल का दरगाह कहा जाता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में जानी जाती थी और इसी के लिए लोग उनमें आस्था रखते हैं जहानाबाद का कुम्हरार एक्सकवेशन पार्क भी देखने के लिए अच्छी जगह है जहां आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं और कुछ समय बिता सकते हैं इसके अलावा यहां का इको पार्क जिसे राजधानी वाटिका भी कहा जाता है वह भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है यहां भी आप अपना समय बिताने के लिए आ सकते हैं आज की तारीख में जहानाबाद में ठहरने के लिए आपको कई सारे सस्ते महंगे होटल्स मिल जाएंगे जो कि आपको मुख्य शहर में ही मिलेंगे लोकल फूड को एंजॉय कीजिए जहानाबाद का लिट्टी घुघनी और कढ़ी बरी तो वर्ल्ड फेमस है एक बार यहाँ का कढ़ी बरी आप खाएंगे तो पंजाबी छोले और कढ़ी सब भूल जाएंगे ट्रैवल गाइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए यहाँ घूमने के लिए आप ऑटो या दूसरी छोटी गाड़ियाँ रिजर्व कर सकते हैं जो सस्ते में आपको पूरे शहर का चक्कर लगवा देंगी और यहाँ एक से दो दिन में आप आराम से सारी जगहों को घूम कर अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ अगर जहानाबाद ज़िले को देखने का हमारा ये नज़रिया आपको अच्छा लगा है और आप यहाँ आना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है Thank you for watching!